हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और गार्डनिंग में बहुत मज़े कर रहे होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मिनी गार्डन्स बनाए जा सकते हैं। हम सब अपने गार्डन को खूब सजाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गार्डन बनाते हैं, पर उसमें एक सेक्शन जो है ना मिनी गार्डन का भी कुछ लोग रखते हैं। मिनी गार्डन बहुत प्यारे लगते हैं, काफ़ी आसानी से बन जाते हैं, और अगर आप भी गार्डन में एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप मिनी गार्डन्स की ट्रेज भी आप अपने गार्डन में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और बच्चों को बहुत मज़ा आता है बनाने में, तो आप उन्हें भी इन्वॉल्व कर सकते हो और साथ में मिनी गार्डन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। टेरेरियम भी होते हैं, टेरेरियम का भी एक ऑप्शन रहता है कि वो आप बना सकते हो, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, वो आइडियाज़ जो आप यूज़ कर सकते हो अपने गार्डन में। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गार्डन के जो मिनी गार्डन, बोनसाई और टेरेरियम के जो पिक्चर्स हैं, ये सारी मैंने लिए थे नोएडा के फ्लावर शो से। नोएडा के फ्लावर शो में ये सब एंट्रीज थी जिनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइजेस मिले थे और बहुत सुंदर थे। आप ये अडेनियम देख रहे हो कितना बड़ा है। अडेनियम मेरी जो है ना थोड़ी सी कमज़ोरी रहा है, मुझे अडेनियम्स बहुत अच्छे लगते हैं और सीरियसली बहुत ही प्यारे होते हैं अडेनियम। ये देखिए कितना सुंदर है ये। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे एक एक करके, और तब हम जो है ना डिटेल में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से टेरेरियम्स भी बनाए जा सकते हैं, और टेरेरियम बनाना मुश्किल नहीं होता है। टेरेरियम क्या होता है, वो एक्वेरियम जैसा ही होता है, बस उसमें आप अपने जैसे फिशेस की जगह पे प्लांट्स रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि कौन कौन से आप बना सकते हो, कैसे मिनी गार्डन क्रिएट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज स्वाति, वेलकम टू नेचर ट्रेजर। ये है सबसे पहला हमारा मिनी गार्डन। इसमें उन्होंने क्या किया है, नीचे आप देख सकते हो कि सिरामिक की ट्रे ली है जिसके अंदर उन्होंने ये बनाया है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने टॉयज़ का इस्तेमाल किया है, रॉक्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो जिराफ हैं और कुछ भैंसे खड़े हैं। मतलब सीरियसली मैंने आज तक जो है ना टॉयज़ बहुत सारे देखे हैं, बट ये वाला मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया था। मतलब इस तरह से ये टॉय यहाँ पर लगाना बहुत ही प्यारा लग रहा था। रॉक्स के साथ में उन्होंने यूज़ किया था, बहुत अच्छा था। दूसरा हमारा ये वाला है, देखिए इन्होंने भी ट्रे का यूज़ किया है और साथ में पानी भी यूज़ किया है इन्होंने। इन्होंने एक तालाब बनाया है और उसके आसपास ये देखिए इन्होंने डक्स बनाई है, क्रोकोडाइल्स भी हैं और स्वैन, फार्मर, बहुत सारे इन्होंने जो आपके एक्सेसरीज आती हैं मिनी गार्डन की उनका बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है। आप देख सकते हो छोटी छोटी सी जो है ना इन्होंने यहाँ पे घास का यूज़ किया है, मॉस इन्होंने नहीं लगाया, वैसे नॉर्मली मॉस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छा आइडिया था, इन्होंने जेड का और वो जो हमारी घास आती है ना, ये बड़ी खट्टी मीठी सी घास होती है, उसका इस्तेमाल किया है। साथ में इन्होंने जो है ये ग्रीन कलर किया है इसके ऊपर, जो रॉक है उसके ऊपर ग्रीन कलर किया हुआ है। यह ये एक्सेसरी का ही पार्ट है और इसमें वेल भी दिया है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बड़ा ही अट्रैक्टिव था ये। और इसमें ना इन्होंने बॉन्साई का यूज़ किया है, साथ में इन्होंने जेड का यूज़ किया है, जेड प्लांट का यूज़ करके रॉक्स लगा के इन्होंने एक जो है मैसेज भी दिया है इसके अंदर। ये देखिए एक ट्रक बनाया है जिसका एक्सीडेंट इन्होंने ट्री के साथ दिखाया है, और कि इस तरह से जो है यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, इन्होंने ये सीन बनाया है। साथ में टूटे हुए गमले का इस्तेमाल किया है, आई डोंट नो अगर इंटेंशनली ये गमला तोड़ा उन्होंने और इसको बनाने के लिए। और साथ में ट्री के ऊपर एक मैसेज भी लिखा है कि एक्सीडेंट्स विल हैपन समटाइम्स नो मैटर हाउ केयरफुल अ मैन कैन बी। तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे ये। और साथ में ये देखिए टेरेरियम जो है इसमें इन्होंने सक्यूलेंट्स का यूज़ किया है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा बनाया है ये। इसमें इन्होंने एक गार्डन का व्यू दिखाया है, भगवान बुद्धा का स्टैचू है, ब्रिज है और साथ में छोटी छोटी सी चेयर और टेबल है। बहुत सिंपल था बट काफ़ी इफेक्टिव था।
यहाँ में दूसरे टेरेरियम में सक्यूलेंट्स का यूज़ किया है, पेंसिल कैक्टस का यूज़ किया है, और यहाँ पर ये देखो छोटे छोटे से जो एसेसरीज हैं, रैबिट है, आपका पिगी है, स्वैन, डक, ये सारे इन्होंने इसमें यूज़ किए, एक फेरी भी यूज़ की है, और बहुत सुंदर इन्होंने ये टेरेरियम को बनाया है, काफ़ी प्यारा लग रहा था, डिफरेंट इन्होंने इनका कॉन्सेप्ट था पूरा। और मेरे को लगता है कि जो सक्यूलेंट्स है ना, उनको रखने के लिए मेरे ख्याल से इस तरह का अरेंजमेंट सबसे अच्छा है, दिखते बहुत अच्छे हैं, अलग अलग लगाने से, एक साथ लगे हुए सक्यूलेंट हमेशा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक ये था जिन्होंने कैलाश पर्वत ही बना दिया है, पूरा जो है ऊपर तक देखिए कितना सुंदर इन्होंने ये क्रिएट किया है, इन्होंने रॉक्स का यूज़ किया है, सक्यूलेंट्स का यूज़ किया है, टॉयज़ का जो है वो काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है, जो एसेसरीज़ हैं गार्डन एसेसरीज, और पीछे देखो यहाँ पे जेड और ये सक्यूलेंट्स लगा कर साथ में दिखाया कि गुफा से टाइगर निकल रहा है, तो पांडा वहाँ बैठा है, ब्रिज बनाया है, काफ़ी अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया। अगले में आप देखो इन्होंने बॉन्साई यूज़ किया है, और उसके नीचे भगवान शिव की मूर्ति रख के और स्नेक प्लांट भी लगाया है, ड्रेसिंग भी मुझे यहाँ दिख रहा है, छोटी छोटी जो है चीज़ें यूज़ करके काफ़ी सुंदर इन्होंने क्रिएट किए हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो है ये टेरेरियम्स होते हैं, बहुत सारे मिनी गार्डन्स होते हैं, सारे तो मैं कवर नहीं कर पाई थी, बट ये वो थे जिनकी एंट्रीज जो है वो फर्स्ट सेकेंड प्राइज जिनको मिला था, और बहुत ही प्यारा बनाया था इन्होंने। एक और एंट्री है जो मैं अभी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, वो स्कूल के बच्चों ने बनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये देखिए ये स्कूल के बच्चों ने रेडी किया हुआ है, और ये रेडी आती है ना कार्ट, कार्ट के ऊपर इन्होंने बनाया था और तब ये लेकर आए थे यहाँ पर, कार्ट को भी बहुत अच्छे से पेंट किया हुआ है, और यहाँ इन्होंने पूरा जैसे ना एक गांव बसा दिया है पूरा। अगर आप डिटेल्स देखेंगे एक एक चीज़ बहुत ही परफेक्ट है, सब कुछ बहुत सुंदर था। एक दूसरा ये वाला बनाया था बच्चों ने, जो जिसमें पूल बनाया था, बहुत सारे पेबल्स का यूज़ किया था, एक घर बनाया था और बैठने की जगह थी वहाँ पर, ये सब भी जो है ना वो लेकर आए थे बनाकर, और इन्होंने इस पे रियल वाली घास लगाई है, ये यहाँ नहीं बनाया हुआ, ये लेकर आए हुए हैं। और ऐसे ही तीसरा ये था जिसमें पार्क का इन्होंने इस तरह से लेआउट बनाया था, बहुत सुंदर जो है ना इसको दिया था, घास लगाई थी उसमें, अलग अलग पेड़ लगाए हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्रेसिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा इन्होंने इसको क्रिएट किया था। एक ये वाला जो था इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, ये घर का डिज़ाइन है, लेआउट बनाया है पूरा, मैं सोच रहा अगर बचपन में ही बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो बड़े होकर सोचो कितना अच्छा आर्किटेक्ट बनेंगे वो कितनी सुंदर चीज़ें बनाएंगे उसके बाद में। कैसा लगा ये बच्चों का एफर्ट, मुझे तो बहुत मज़ा आया था, बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया था, इतना सारा डिज़ाइन करना, हाँ टीचर्स ने भी हेल्प की होगी, स्कूल के बच्चे थे, और इतना सारा जो है दिमाग लगा के कि कितने टाइम में उन्होंने बनाया होगा, तो बहुत ही प्यारा था। बच्चों का एफर्ट अगर अच्छा लगा ना तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा यार कि अच्छी अच्छी वीडियो कब आई, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊं वो भी मेंशन कीजिएगा। नर्सरी विजिट्स बहुत टाइम से पेंडिंग है, आई नो, वो भी मैं अब जल्दी ही लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि डेली आपके लिए मैं एक जो है ना बड़ा अच्छा सा किसी प्लांट के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ। तो जिस भी प्लांट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, जिसकी भी जानकारी चाहिए, प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको इसके ऊपर जानकारी चाहिए, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आपको मेरे सबसे अच्छे वीडियोस कौन से लगते हैं, फर्टिलाइज़र्स पे या सब्जियों पे या फ्लावर्स पे, तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा वीडियो लगता है, तो जल्दी ही मैं उसी टॉपिक पे एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।